हाय, मैं न्यूज मुकेशन, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। जो स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स हमारे पास आज टोटल 9 स्टॉक्स के लिस्ट है, और ये मैं आज इन्हीं 9 स्टॉक्स पे मैं डिस्कस करूंगा। और ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट्स पे है, और कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट से के अंदर है जो वहाँ से अपर मूवमेंट की तरफ दिखाने को तैयार है। ये जो हमारा सीरीज है वो यू मी एंड ट्रेड का सीरीज है, और इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है हमारा बहुत ही यूनिक सीरीज है, और इसमें बहुत सारे जो भी उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल्स भी हो रहे हैं। अगर आपको भी ब्रेकआउट स्टॉक्स को पकड़ना है और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे पास किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए 2 टूल्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल्स। आज जो हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, इसमें हमें बस इतना ही देखना होता है जिस स्टॉक्स में हमारा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, जिसको हम बाई करने वाले हैं, जिसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने वाले हैं, क्या वो स्टॉक्स हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है या नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो इसका करंट प्राइस 324 है। स्टॉक पी रेशियो की अगर बात करें तो वो 18.8 है, और बुक वैल्यू 98.0 है। डिविडेंड, यस ये डिविडेंड भी है। ROEC 15.1 है, वो भी बहुत अच्छा है। ROE 16.3 के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। अगर हम इंटरेस्ट वैल्यू की बात करें तो 201 है, और डेट टू इक्विटी 0.44 है। EPS 17.2 है, और प्रॉफिट ग्रोथ 27.6% के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। और करंट रेशियो 1.8 है, और अगर हम इसका पित्रोस के हिसाब से देखो तो 5 ईयर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठ रहा है। FIS की होल्डिंग 3.7 है, और प्रमोटर की होल्डिंग 58.7 है, और हम नंबर 195 है। DIS की होल्डिंग 0.79 है, और अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो वो 29.8% का है। और अगर हम इसके वैल्यूज की स्टॉक्स के बारे में ये जानना चाहेंगे, ये स्टॉक ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है, तो हमें इंट्रेंसिंग वैल्यू, बुक वैल्यू और ग्राहम नंबर्स को देखना होता है। अगर हम इंट्रेंसिंग वैल्यू को देखें तो वो 201 है, और करंट प्राइस 324 है। बुक वैल्यू 195, ग्राहम नंबर्स 195, और करंट प्राइस 324, और बुक वैल्यू 98 है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसमें 1 point something जाना है, इसमें वही है। तो मैं इसका फंडामेंटल देखो तो वो स्ट्रांग दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे ये प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, तो हमें इस स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहिए। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको स्टॉक पी रेशियोज, बुक वैल्यूज, डिविडेंड, ROCE, ROE, इंटरेस्ट वैल्यूज, ग्राहम नंबर्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा वीडियो में ये सारी चीज़ें हैं। आप बस अपने मेरे वीडियो को जाएं, आप चेक करें, जो भी चीज़ें आपको इसमें समझ में आता है वहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना वीडियो को देख सकते हैं, और उससे इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट ले सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब अगर हम इसका ग्रैंडफादर फादर सन का रिलेशनशिप को देखें तो ये स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट पे ये स्टॉक्स खड़ा है। अगर हम इसका डेली चार्ट पे देखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट पे खड़ा है, तो हमें यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलने को तैयार है, जहाँ पे हमें ये प्रॉफिटेबल्स बना सकता है। अगर हम इसका समरी पॉइंट में जाएंगे तो इसका टारगेट 400 का बनता है, और होल्डिंग पीरियड वही 40-50 डेज का होगा, और 390 से 400 के बीच में आता है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।